So these are the 10 important health benefits of Bhastrika Pranayama. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप लोग का क्या हालचाल। दोस्तों आप देख रहे हैं अलीटॉक्स 365। दोस्तों स्पेशली आज मैं बात करूंगा भस्त्रिका प्राणायाम किसको कहता है और भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है क्योंकि ये इम्यूनिटी लेवल को बहुत ही बढ़ाता है। In the right side you can see the benefits of Bhastrika Pranayama and in the left side you can see how I am doing the Bhastrika Pranayama, okay? So benefits of Bhastrika Pranayama, number one, it improves immunity power to the body. Number two, supply oxygenated blood throughout the body. Number three, tones cells, tissues, organs and systems of the body. Number four, calms the mind and body. Number five, remove stress and fatigueness. Number six, cure heart, cold and flu. Number seven, purify blood and clear blockage. And number eight, good for digestion. Number nine, drain phlegm from lungs. And number 10, feet neuromuscular activities. So it has also some more health benefits. So these are the 10 important health benefits of Bhastrika Pranayama. पहला बात करता हूँ, नॉर्मली जब हम सांसें लेते हैं तो 500 ml सांस हम लेते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं या डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो 5000 ml से लेकर 10000 ml हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लंबा गहरा सांस लेते हैं तो हमारे पूरा शरीर में ऑक्सीजन लेवल पूरा चला जाता है और हमारे एक एक अंग, हमारे एक एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हमारे भारत देश में लगभग बहुत सारे लोग हैं जो बाइक चलाते होंगे। अगर आप पकड़ लीजिए कि 300 किलोमीटर आप बाइक चलाएं और रास्ता में वो बाइक ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे? ज़रूर आप जाएंगे बाइक मेकर के पास और वहाँ पे जाके आप उसको सर्विस करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये शरीर है पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करते रहता है। ये हमको जो काम करते हैं, हमारे ज़िंदगी भर जो काम करते रहता है, ये मोटर एक्टिविटीज़ का काम हमारे शरीर के अंदर करते हैं, बाहर भी करते हैं। जो भी वायरस हो गया या इंटॉक्सिकेंस हो गया हमारे शरीर में जब अंदर घुसता है तो हमारा जो मोटर है, हमारा जो मैकेनिक्स है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सर्विस चाहिए और वो जो सर्विस है ये है प्राणायाम। तो दोस्तों आइए आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कि भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ आप 5 मिनट सुबह करें और 5 मिनट शाम को करें। ये 10 मिनट अगर एक्सरसाइज आप करेंगे 5 + 5 = 10 मिनट्स तो मैं गारंटी देता हूँ कि ज़िंदगी भर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशली सांस का और इंटरनल सिस्टम का। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले आप पद्मासन में या कोई भी इजी पोस्टर में आप बैठिए, जैसे सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, आप सीधा बैठिए। आपका पूरा रिब की हड्डी जो है पूरा स्ट्रेट, आपका सीना सामने और नज़र सामने, और आप ये जो मुद्रा है चीन मुद्रा में आप बैठिए। ये जो मुद्रा है दोनों हाथ ऐसा कीजिए और आपका जो इंडेक्स है और थंब इसको ज्वाइन कीजिए। करने के बाद हथेली इधर रखिए। ये आसन में बैठने से क्या होता है, ये जो पद्मासन में बैठने से आपका पूरा कंसंट्रेशन एक पॉइंट में रह जाएगा। जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सबसे बेटर है कि आप आंखें बंद करके करें, क्योंकि जब आंखें बंद करके आप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है, इस कंटिन्यूअस को कम्प्लीटली रखना है। देखिए फर्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन थोड़ा फास्ट करें। थर्ड वेरिएशन जो है और फास्ट करें। ऐसा करने के बाद अब डीप इनहेल एक्सहेल करें। देखिए जब मैंने सांस इनहेल किया था पूरा लंग्स जो है पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ था, और जब मैंने एक्सहेल किया था तो पूरा लंग्स मेरा कोलैप्स हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो मेरा शरीर के अंदर इतना सारा ऑक्सीजन आया और इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। मतलब साधारण रूप से हम 500 ml इनहेल करते हैं ऑक्सीजन,
लेकिन जब हम डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे 5000 ml से लेकर 10000 ml हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप सोचिए हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल को कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हजारों करोड़ों सेल्स है। तो हम जब छोटे छोटे सांस लेते हैं तो वो सारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जा कर पहुँच नहीं पाते। जब हम डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो पूरा शरीर के अंदर जितने सारे कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, सब के अंदर ऑक्सीजन जाता है और हमारे शरीर जो है पूरा एनर्जेटिक होता है। आप देखिएगा 5 मिनट के अंदर आपका शरीर में कितना एनर्जी आता है, ये मैं 100% फैक्ट बात कर रहा हूँ, कोई धोखाबाज नहीं है। आप घर में बैठ के करिए, चेयर पे बैठ के करिए, बेड पे बैठ कर के करिए, बाहर जाके करिए, ऑफिस में करिए, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यंग है, आप यौथ है, तो आपको इससे फास्ट करना है। अगर आपका शरीर में बीमार है तो आप स्लो स्लो कर सकता है, 3 मॉडल से आप कर सकते हैं, पहले स्लो, मीडियम एंड फास्ट। अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फास्ट करें, मतलब 1 मिनट में आप 100 टाइम्स करें, 1 मिनट में आप 60 टाइम्स करें, या 1 मिनट में आप 30 टाइम्स करें, वो आपका शरीर का कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 5 मिनट ज़रूर करें। और भस्त्रिका प्राणायाम का क्या क्या बेनिफिट है, मैं 10 बेनिफिट यहाँ पर लिख चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बेनिफिट्स है। ये 10 बेनिफिट्स 100% है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, रिंग बटन को दबाइए ताकि आपको नया नया वीडियो मिले। अगर आपका सांस रिलेटेड, शरीर का रिलेटेड कोई भी बीमार हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रॉब्लम को कैसे ऑनलाइन में सॉल्व किया जाए, योगा के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, क्योंकि ये जो है इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। आजकल योगा पूरा दुनिया में फैल गया है, पूरा भारत देश में तो योगा का प्रचलन हो ही रहा है, इसके साथ साथ पूरा दुनिया के लोग इसका अलर्टनेस एक्सेप्ट कर रहा है। आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना शरीर को अच्छा रहिए। करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत।